मुरादाबाद के थाना छजलेट में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। उप जिला अधिकारी कांट विनय कुमार ने जनता की समस्याएं सुनी। पहुंचे फरियादियों ने अपने अपने प्रार्थना पत्र उप जिला अधिकारी कांट के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। आई शिकायतों में राजस्व विभाग से जुड़े मामले देखने को मिले। उप जिला अधिकारी कांट द्वारा मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। कुछ मामलों का स्थानीय अधिकारियों को मौका मुआयना कर निस्तारण करने का आदेश दिया गया। थाना दिवस में पहुंचे लेखपालों ने पिछले सप्ताह तहसील ठाकुर द्वारा में अपने साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर कार्यवाही न होने पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया, जो कि तहसील दिवस में पहुंचे लेखपालों से बात करने पर सिटी चैनल को बताया कि पिछले सप्ताह तहसील ठाकुर द्वारा क्षेत्र में जमीन की नापतोल को लेकर एक पक्ष लेखपाल मुनीस कुमार एवं दूसरा पक्ष कुलवंत सिंह और योगेंद्र यादव में मारपीट हुई थी, जिस पर दोनों पक्षों की तरफ से थाने में FIR दर्ज करा दी गई थी, लेकिन अभी तक किसी की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई। उसी को लेकर आज पूरे जनपद के सभी थाना दिवस में पहुंचे सभी लेखपालों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया है। हम चाहते हैं कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। ये हमारी जिले की तहसील ठाकुर द्वारा में कुछ अधिवक्ताओं द्वारा लेखपालों के साथ मारपीट व बदतमीजी की गई थी, जिसमें FIR भी हुई थी, परंतु कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। उसी से पूरे जिले के जो लेखपाल संवर्ग है उनमें आक्रोश है। उसी के विरोध स्वरूप आज हमने जो है काली पट्टी बांध के पूरे जिले में जहाँ जहाँ भी थाना दिवस आयोजित हो रहा है सभी जगह हमारे लेखपाल साथी काली पट्टी बांधे हुए। किस क्या नाम है जो पीड़ित है? मुनेश कुमार लेखपाल है, वो तहसील ठाकुर द्वारा। आरोपी कौन है? अधिवक्ता हैं, FIR भी हुई है। क्या क्या नाम है? कुलवंत सिंह नाम है योगेंद्र यादव। अधिकारी क्या आश्वासन दे? उसमें FIR दर्ज हुई है परंतु अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बात को लेकर आप अधिकारियों से मिले? ज्ञापन दिया है हमारी वहाँ की जो कार्यकारिणी है तहसील ठाकुर द्वारा की, उन्होंने वहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और जो है जिले पे भी हमारी जो जिला कार्यकारिणी है जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है उसमें कार्रवाई का। कौन सा तारीख का मामला? पिछले सप्ताह का पिछले सप्ताह का मामला।